हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, फाइनली मैं आप सभी को बता दूं कि छपरा से सिकंदराबाद के लिए एक बार फिर से स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, जो कि पटना होकर जाएगी। फ्रेंड, ऐसा पहला बार हो रहा है कि छपरा से पटना ट्रेन आ रही है। फ्रेंड, एक वीडियो में इसके पहले बनाया था जो आप सभी ने बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था कि फिर कोई नई ट्रेन चलती है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक छपरा से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन का वीडियो लेकर आ चुका हूं। फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि यह ट्रेन कब से कब तक चलेगी, यह ट्रेन किस किस स्टेशन पर रुकेगी, इसका टाइम टेबल क्या है, छपरा से टाइम टेबल क्या है, पटना कितने बजे पहुँचेगी, पटना से टाइम टेबल क्या है, छपरा कितने बजे पहुँचेगी, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबाएं ताकि आने वाली हर एक जानकारी, आने वाली हर एक ट्रेन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, रेलवे ने 5 जुलाई से स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रक्सौल से सिकंदराबाद के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही इस रूट के लिए अब एक और साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई है जो 4 जुलाई से चलेगी। रेलवे ने छपरा से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को फिर चलाने का ऐलान कर दिया है। सिकंदराबाद से 4 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगी। छपरा से सिकंदराबाद के बीच 6 से 3 अगस्त तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। गुरुवार को रेल मंत्रालय ने इससे जुड़ी सूचना जारी कर दी है। चलिए फ्रेंड, आगे जानते हैं कि यह ट्रेन कौन कौन से स्टेशन पर कितने बजे रुकने वाली है। चलिए फ्रेंड, पहले ये जान लेते हैं कि किस किस रूट से यह होकर जाएगी। पटना, जसीडीह, बोकारो और धनबाद होकर चलेगी यह ट्रेन। छपरा से सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेन पटना, जसीडीह, धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलेगी। इस ट्रेन के चलने से बिहार के साथ साथ झारखंड के बड़े हिस्से के यात्रियों को आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक ट्रेन मिल सकेगी। चलिए फ्रेंड, आगे जानते हैं। स्पेशल ट्रेन होने की वजह से इसका किराया पहले से चलने वाली नियमित ट्रेन की तुलना में अधिक चुकाना होगा। चलिए फ्रेंड, अब जानते हैं समय सारणी की यह ट्रेन कितने बजे कहाँ रुकने वाली है। देखिए फ्रेंड, ट्रेन नंबर है 07051 सिकंदराबाद छपरा स्पेशल, जो कि 4, 11, 18 और 25 जुलाई को और 1 अगस्त को चलेगी, जबकि 07052 छपरा सिकंदराबाद स्पेशल 6, 13, 20 और 27 जुलाई और 3 अगस्त को चलेगी। देखिए फ्रेंड, यह ट्रेन सिकंदराबाद से रात को 9:35 तक खुलेगी। दूसरे दिन रात 1:40 पर बोकारो और उसके बाद 3:50 पर धनबाद पहुँचेगी। सुबह 6:47 पर जसीडीह, दिन 11:45 पर पटना और दोपहर 3:25 पर छपरा पहुंचेगी। वहीं ट्रेन छपरा से रात 11:30 पर खुलेगी, देर रात 2:25 पर पटना पहुंचेगी। सुबह 7:45 पर धनबाद आएगी, दोपहर 12:15 बोकारो और दूसरे दिन शाम 5:15 पर सिकंदराबाद पहुँच जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह से आप देख चुके होंगे कि कौन सा ट्रेन नंबर है, कहाँ कहाँ यह कितने बजे रुकने वाली है और किस किस स्टेशन पर रुकने वाली है। फ्रेंड, आपको बता दूं कि छपरा सिकंदराबाद रांची की जगह हटिया में यह ट्रेन रुकने वाली है। यह ट्रेन रांची में नहीं जाएगी। सिकंदराबाद से छपरा जाने वाली ट्रेन रांची में नहीं रुकेगी। रांची के यात्रियों को हटिया में ही उतर जाना होगा। छपरा से सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेन का रांची में ठहराव होगा। धनबाद से रात में गंगा दामोदर एक्सप्रेस के बाद पटना जाने के लिए तड़के साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आपको वहां से मिल जाएगी। तो फ्रेंड, आप सभी को समझ में आ गई होगी कि यह ट्रेन रांची नहीं जाकर हटिया तक ही जाएगी, वहां से आपको उतरकर जाना होगा। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि फिर कोई नई ट्रेन चलती है तो मैं आपको सबसे पहले बता सकूँ। तो फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।